Hi everyone and welcome to Fluent English Cabbage Learning Pod. In this video, we are going to start material noun. In the previous video, we talked and I taught you all collective noun. So similarly, we are going to start material noun, which is very important for every student. So first, we will learn what is the definition of material noun, what is the actual meaning of material noun, where should we use material noun, and how can we recognize this is material, right? Okay, so without wasting time, so let's kick off first. So material nouns means hota hai, I would like to tell you that first, material noun means hota hai, aap usko kehte honge, material noun, jisko aap hindi mein kehte honge, dravyavachak sankhya. Kya kehte hai aap usko? Dravyavachak sankhya kehte hai, right? Ab dravyavachak noun, isse sabhi parichit honge, sabko pata hoga, material, M-A-T-E-R-I-A-L, material noun hota hai, material noun ko aap hindi mein kehte hai, dravyavachak sankhya hota hai, right? So dravyavachak sankhya kya hota hai? Jisko napa tola jata hai. राइट जिसको नापा तोला जाता है, जिसको मेजर किया जाता है बट उसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको नापा तोला जाता है उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं, जिसको आप द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं. जिसको नापा तोला जाता है बट उसको काउंट नहीं किया जा सकता, गिन नहीं सकते उसको, राइट? आप उसको गिन नहीं सकते. मटेरियल नाउन अ नाउन व्हिच कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. बट इसको वेट तो करते हैं ना, जब आप खरीदने जाते हैं तो आप क्या होता है उसमें वेट करके आपको दिया जाता है, राइट? सो होता है लाइक राइस, राइस को ले लिया आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने राइस इस बोरे में, राइट? कितने राइसेस है, कितने राइस है, कितने शुगर आप नहीं बता सकते. बट इसको जो होता है काउंट होता है ऑयल. आप ऑयल जब खरीदने जाते हैं केजी एक पाव लेके आते हैं, राइट? तो उसको जो आप लाते हैं, आप बोलते हैं मार्केट मुझे एक पाव दीजिए, तो उसको मेजर करता है, करके देता है. ये नहीं कि आपको डायरेक्टली कि दे दिया ऐसा डाल के, नहीं. और उसको मेजर, एक मेजरमेंट का क्या होता है उसका, और उसी से वो आपको देते हैं, राइट? दुनिया की जितने भी चीजें हैं जिसको मेजर किया जाता है, नापा तोला जाता है, वो होता है मटेरियल नाउन. ये आपको ध्यान रहे, चाहे वो सोना हो या चांदी हो या फिर और कुछ, लिक्विड ही क्यों ना हो. लिक्विड होता तो वो तो हो गई, मेजर हो गई, ऑलराइट? लाइक केरोसिन, उसको भी तो मेजर किया जाता है, समझ रहे हो ना बात को? सोना, वो तो देखो, कुछ कुछ बच्चे जो समझते हैं जितने पानी वाली चीजें उसको द्रव्यवाचक संज्ञा, बट ऐसा नहीं होता गाइस. मतलब जिसको भी नापा तोला जाता है, लाइक सोना को नापा तोला जाता है ना, ना आप मार्केट जाते तो ऐसे ही पकड़ के दे दिया जाता है कि नहीं, उसको भी मेजर होता है. जितने भी चीजें इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसको नापा तोला जाता है, मेजरमेंट होती है गाइस, वो होता है मटेरियल नाउन. सो फर्स्ट इसका डेफिनेशन देखेंगे. ऑलराइट, अ नाउन that can be measured or weighed. ऐसा नाउन जिसको मेजर किया जाता है या फिर वेट किया जाता है, वेट मतलब या फिर वजन उसका निकाला जाता है, but cannot be counted is called material noun. इस कॉल्ड मटेरियल नाउन. चीजों को समझेगा, काफी इजी होता है, वो आपके समझने के ऊपर है. देखे, अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैनॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन. ऐसा नाउन जिसको मेजर किया जाता है या फिर वेट किया जाता है, नापा तोला जाता है पर उसको गिना नहीं जा सकता, उसी को ही कहते हैं आप मटेरियल नाउन. क्या पानी को आप गिन सकते हो? क्या सोने को गिन सकते हो? आप नहीं गिन सकते, कभी नहीं गिन सकते. मटेरियल नाउन के जितने भी वर्ड्स आएंगे, जितने भी एग्जांपल आए, यू कैन नॉट काउंट. आप इसको गिन ही नहीं सकते, आई एम श्योर नहीं गिन सकते. अगर आप गिन रहे तो बेवकूफी हो, आप कैसे गिन लोगे ये इतना है, नहीं गिन सकते आप. समझोगे ध्यान से. सो इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ध्यान देंगे एग्जाम्पल को. एग्जाम्पल भी ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसको आप गिन नहीं सकते हो, लाइक सैंड. आप गिनो ना इसको, सैंड को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते, लेकिन इसको नाप तोल के नहीं बेचा जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मिल्क, M-I-L-K, मिल्क. मिल्क को नापा तोला जाता है, राइट? उसके बाद देखो, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, राइट? राइस हो गया, ओके? और क्या क्या हो सकते हैं जिसको आप मेजर करते हैं? और भी कई सारे एग्जांपल है, लाइक गोल्ड हो गया. गोल्ड को भी आप मेजर करके लेते हैं, या फिर जो देने वाला होता है वो आपको मेजर करके देता है, आपको डायरेक्टली नहीं दे देता कि लो बाबू ये, नहीं, कभी नहीं देगा आपको इस तरह से, राइट? जिसको मेजरमेंट होता है उसी को क्या बोलेगा, मटेरियल. और भी जैसे फीस, अब बोलो FISH फीस, इसको भी नाप तोल के देता है कि नहीं? वो दुकानदार देता है ना आपको, दे देता है, लो अब लो 100 रुपया दिया ना, हाँ ये बड़ा वाला ले लो. नहीं, ऐसा आपको कभी नहीं बोलेगा. क्यों इसलिए नहीं बोला? क्योंकि उसको मेजर करना ना भाई, उसको मेजर करेगा, वो मेजर करने के बाद ही देगा. तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक्सेट्रा, राइट? आप समझ जाना, क्या समझ जाओगे आप?
जितने भी चीजें दुनिया में, जितने भी चीजें जिसको मेजर किया जाता है, नापा तोला जाता है, उसी को आप कहेंगे मटेरियल लॉन्ग, चाहे वस्तु कैसा भी हो, चाहे वो लिक्विड वाला हो या अनलिक्विड हो, समझ रहे हो ना, चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो, आपको समझ जाना है, जिसको भी नापा तोला जाएगा आप उसको कहेंगे मटेरियल लॉन्ग। आ रही बात समझ में, क्लियर? अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को भी समझना होगा कि मटेरियल नाउन उसको पहचानेंगे इसके क्या क्या रूल्स। अगर मटेरियल नाउन हो गया तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब कैसे लगेगा, उसमें आर्टिकल लगेगा कि नहीं, वो चीजों को हम लोग अभी देखेंगे, राइट? ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, वो भी चीजें हम लोग अब जानेंगे। सो पॉइंट्स को लिखते हुए चलेंगे। ये था इसका डेफिनेशन मटेरियल नाउन का। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका क्या होता है, स्टार देकर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, राइट? मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर। मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर। जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं ना, वो होता है सिंगुलर, सिंगुलर होता है। और भर भी लेता है, और भर भी लेता है सिंगुलर, और भर भी लेता है सिंगुलर। समझ रहे हो ना? मटेरियल, जितने भी मटेरियल नाउन है ना, जिसको आप नहीं गिन सकते हो, वो सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, अब भी लेगा वो सिंगुलर। लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल का रूप लेते हैं, अब ले लेता प्लूरल, राइट? तो देखेंगे मटेरियल नाउंस होता है सिंगुलर, अब भी लेता है क्या, सिंगुलर। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, राइट? सो इसको हमेशा मटेरियल नाउन को हमेशा मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज एज अ सिंगुलर। मटेरियल नाउन को सिंगुलर के जैसे ही ट्रीट किया जाता है, एंड टेक ओनली सिंगुलर वर्ब, राइट? समझ रहे हो ना आप बात को? मटेरियल नाउन को हमेशा सिंगुलर के जैसे ही ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर के जैसे ही यूज किया जाता है, एंड वर्ब जो लेंगे ऑलवेज लेंगे सिंगुलर। ऑलराइट, अब आगे देखेंगे, दैट इज मटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ रहे हो ना आप बात को? मटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ कुछ केसेस में किया जा सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आप द वाटर नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि यहाँ पर रूल ही बोल दिया है कि मटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑलराइट, समझ रहे हो ना बात को? अभी आप बेसिक समझिए, बेसिक इस तरह से होता है कुछ मटेरियल नाउन। उसके बाद हम लोग इसका एडवांस भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी वीडियो अपलोड की जाएगी आप लोगों के लिए, तो इसको समझेंगे। सो लेट मी रिपीट अगेन। सो अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, ऑयल, राइस, गोल्ड फिश एक्सेट्रा। ओके, सो दिस आर द सम टर्म एंड कंडीशंस। सो मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर, अबव लेता है सिंगुलर। ओके, मटेरियल नाउन इज यूज्ड is always used as a singular and take only singular verb. ये singular के जैसे use होता है, अब verb भी लेता है, हमेशा क्या लेता है, singular लेता है। Alright, material noun के पहले कभी भी article the का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ रहे हो बात को? material noun के पहले कभी भी article the का प्रयोग नहीं किया जाता। और एक कुछ एक छोटा सा concept है, उसको भी ध्यान देते हुए चलेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, फर्स्ट प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। ओके, सो नाउ अब कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा कि और मटेरियल नाउन को और भी ज़्यादा इजी कर रहा हूँ इस एग्जांपल के माध्यम से। देखिए, अब आपको ढूंढना है, बताना है कि इनमें से सेंटेंसेस कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। आपको टर्म कंडीशन तो बता दिए, बस दो टर्म कंडीशन नहीं बताया। वो क्या बता रहे हैं अभी आपको, क्या बताया जस्ट पहले, क्या बताया कि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होता है और सिंगुलर होता है, वर्ब लेता है सिंगुलर, राइट? ये बताया। लेकिन ड्रेक्स, DREGS, ड्रेक्स मात्र एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी प्लूरल होता है और वर्ब लेता है प्लूरल। यही मात्र एक ऐसा वर्ड है, राइट? जो आपको छोड़ दिए थे, ये लिखा देना चाहिए था। सो सॉरी फॉर दैट। सो डिग्री, सॉरी ड्रेक्स, DREGS, ड्रेक्स मतलब कूड़ा कचरा होता है। ऑलराइट, सो ड्रेक्स मात्र एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी प्लूरल होता है, ऑलराइट, और वर्ब भी लेता है क्या, प्लूरल। अनकाउंटेबल होते हुए प्लूरल होता है, वर्ब लेता है प्लूरल, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और
एंड वन मोर थिंग, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया, सॉरी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता अनकाउंटेबल नाउन के पहले, आई मीन मटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन कुछ कुछ केसेस में किया जाता है आर्टिकल द का प्रयोग। वो कौन सा केस है देखिए, अगर वो नाउन उसका रियलिटी से कुछ अलग कुछ बता रहा, अगर वो नाउन की जो रियलिटी है वो तो है ही, उसका रियलिटी को छोड़कर और कुछ गुण बताया जा रहा, तो इन दैट केस हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सो अब बताएंगे द मिल्क इज व्हाइट, मिल्क तो पहले से व्हाइट होता ही है, तो आर्टिकल द क्यों लगेगा भाई, नहीं ना, इसलिए हो गया गलत, समझ रहे हो ना बात को। और ऐसे भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना बताए, कुछ कुछ केसेस में करना है। देखो मिल्क इज व्हाइट, द मिल्क इज व्हाइट, मिल्क तो पहले से भी व्हाइट होता है, कौन नहीं जानता व्हाइट नहीं होता है, व्हाइट होता है, ऊपर से द भी लगा रहे गलत। सो मिल्क इज व्हाइट, अब ये हो जाएगा सही, क्यों हो जाएगा सही भाई, इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि मिल्क के पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मिल्क इज व्हाइट तो है, सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट इट, राइट। सो द मिल्क इज नॉट द, सॉरी द मिल्क इज नॉट, अरे हॉट, यहां पर हॉट है, एच ओ टी, हॉट, ओके, द मिल्क इज नॉट हॉट, सॉरी द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट, क्या बता रहे, दूध क्या गर्म होता है क्या, उसके नेचर गर्म है, दूध की जो नेचर होती है वो गर्म होती है क्या, नहीं, लेकिन यहां पर बता रहा है द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट, मिल्क क्या गर्म है उसे मत पियो, इसलिए आर्टिकल द का लगना जरूरी है, लगेगा, इसलिए हो गया सही, समझ रहे बात को, ओके। जहां भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे यहां पर प्रॉब्लम हुई नहीं समझ में आया, तो मैं उसके लिए समझाऊंगा फिर से अलग से, ओके। सो ड्रेक्स आर लेइंग लेइंग एसाइड द रोड, क्या बताए, ड्रेक्स मात्र एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल नाउन होते हुए प्लूरल होता है, वर्ब लेता है प्लूरल, ड्रेक्स आर लगेगा प्लूरल ना, इवन इज होना चाहिए था इसके जैसे, इज होना चाहिए था, लेकिन ये प्लूरल होता है, वर्ब भी लेता है प्लूरल, अभी बताए ये टर्म कंडीशन, इसलिए पहला वाला हो जाएगा सही और ड्रेक्स इज तो कभी नहीं आएगा गलत, यहाँ भी ड्रेक्स इज कभी नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये ड्रेक्स मात्र एक ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ड अनकाउंटेबल सॉरी मटेरियल है जो क्या होता है प्लूरल होता है, अब वर्ब भी लेता है प्लूरल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेंगे, एंड जिसको भी नहीं समझ में आता है बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से करेंगे, और टर्म कंडीशन रूल जो लिखा दिया आपको, आपको वो चीज़ ध्यान देना है, अगर आप उस चीज़ को ध्यान दिए बढ़िया से, राइट, प्रॉपरली तरीका से, देन आपको ये समझ में आ जाएगा, काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। सो आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मटेरियल नाउन के बाद क्या होता है अब्सट्रैक्ट नाउन का, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे। सो टिल देन बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, आप जो भी न्यू स्टूडेंट्स इसको देख रहे हो, सो प्लीज़ गाइज फर्स्ट प्रेस ऑन द बेल आइकन, सब्सक्राइब करके रखे चैनल को ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलती रहे, ओके। सो सी यू द नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन हैव अ नाइस डे।